नमस्कार मैं हूं आइए हैं देश में संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही इसे देखते हुए आने वाले दिनों में दस लाख तक प्रतिदिन टेस्ट का लक्ष्य है आपको बता दें कि वर्तमान में करीब पाँच लाख टेस्ट हो रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम अगले आठ से दस सप्ताह में अपनी रोज की टेस्टिंग की संख्या दस लाख लेकर जाने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में करीब सात वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो थोड़ा एडवांस स्टेज पर काम कर रहे हैं इनमें से दो पूरी तरह भारतीय हैं और ट्रायल मानव परीक्षण की स्टेज में चल गए हैं पारा शिक्षक का दो माह का मानदेय दो अगस्त बाद जारी राज्य के पैंसठ हजार पारा शिक्षकों को अगस्त में जून और जुलाई महीना का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा जून महीना का मानदेय भुगतान के लिए सभी जिलों से पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूल के शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 अगस्त तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक और मॉडल स्कूल के शिक्षक काम कर रहे हैं उनका आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करना है 2 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद मांगदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा दसवीं बोर्ड परीक्षा के कॉपियों की स्कूटनी शुरू अट्ठाईस अगस्त तक करे आवेदन जैक ने कक्षा दस के रिजल्ट के स्कूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है जो छात्र जैक कक्षा दस परीक्षा दो में सम्मिलित हुए हैं और उत्तर पुस्तिका की जाँच के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते आपको हैं आपको बता दें कि दी गई तारीख के अनुसार उम्मीदवारों के लिए जैक 2020 कक्षा 10 स्कूटनी आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2020 है झारखंड में आज आठ नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो गिरिडीह से एक देवघर एक पूर्वी सिंहभूम एक रांची तिरासी चतरा छियालीस कोडरमा तैंतालीस दुमका इकतालीस गुमला छत्तीस लातेहार तीस बोकारो उनतीस सिमडेगा तेईस पश्चिमी सिंहभूम बाईस गोड्डा बीस रामगढ़ उन्नीस सरायकला अठारह धनबाद पंद्रह जामताड़ा चौदह पलामू आठ हडीबाग हाँ, सात पाकुड़ सात साहिबगंज छः गढ़वा खुट्टी लोहरदागा से तीन तीन संक्रमित मिले हैं झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या ग्यारह है जबकि तैंतालीस लोग स्वस्थ हुए और एक की मृत्यु हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या सोलह लाख संतानवे हजार चौवन है एक्टिव केस रांची पंद्रह सौ बासठ पूर्वी सिंहभूम तेरह सौ पैंतालीस गिरिडीह तीन सौ बहत्तर धनबाद तीन सौ चौदह हजारीबाग दो सौ छियानवे कोडारमा दो सौ छिहत्तर गढ़वा दो सौ छियालीस देवघर दो सौ अड़तीस गुमला दो सौ सैंतीस रामगढ़ दो सौ तीस चतरा दो सौ पलामू एक सौ छियासी पश्चिमी सिंहभूम एक सौ अस्सी लातेहार एक सौ इकसठ पाकुड़ एक सौ उनसठ सिमडेगा एक सौ चौवालीस सरायकेला एक सौ चौंतीस बोकारो एक सौ बत्तीस साहिबगंज एक सौ अठारह गोड्डा एक सौ तेरह लोहरदगा एक सौ सात दुमका चौसठ जामतरा सैंतालीस खुट्टी से उनचालीस मरीज एक्टिव हैं नहीं होगा श्रावणी मेला का आयोजन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण को देखते हुए देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन करने की मंजूरी देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है न्यायाधीश अरुण मिश्रा न्यायाधीश बी आर गवाई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खंडपीठ झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मेले का आयोजन नहीं कराने के फैसला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि झारखंड सरकार लॉकडाउन में छूट को देखते हुए धार्मिक स्थानों को खोलने पर विचार कर सकती है लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का ध्यान रखने की जरूरत है झारखंड समेत देश के सभी मंदिर को खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका जिला में स्थित बासुकीनाथ मंदिर समेत देश भर के मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में सावन के पवित्र महीने में भक्तों से पूजा अर्चना करने की अनुमति देने की मांग की थी विधायक ढोलू महतो को हाई कोर्ट से मिली जमानत महिला नेता के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढोलू महतो को बड़ी राहत मिली है झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा विधायक को जमानत दे दी है इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है आपको बता दें कि जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने पिछली तारीख को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था शुक्रवार को उन्होंने ढोलू महतो को जमानत दे दी है चना दाल के बदले अब गोटा चना दिया जाएगा इटकी के गरीब राशन कार्डधारियों को अब चना दाल की जगह चना मुफ्त दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों को जुलाई से सितंबर माह का गोटा चना आवंटित किया गया है सीओ रसीम लकड़ा ने बताया कि आपूर्ति विभाग द्वारा गरीब कार्डधारियों के लिए प्रति माह इक्यानवे क्विंटल की दर से तीन माह का दो सौ तिहत्तर क्विंटल गोटा चना इटकी प्रखंड के लिए आवंटित कर दिया गया है श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सौंपी गई झारखंड का जल व मिट्टी अयोध्या में पाँच अगस्त को राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन को लेकर झारखंड में काफ़ी उत्साह है राज्य के विभिन्न जिलों के इक्कीस सौ पवित्र स्थलों से पवित्र जल एवं मिट्टी को अयोध्या पहुंचा दिया गया है आपको बता दें कि झारखंड विश्व हिंदू परिषद की ओर से पूरे झारखंड से एकत्रित जल एवं मिट्टी को अयोध्या जाकर सौंप दिया गया है जमशेदपुर में बनेगा तीन हजार बेड का अस्पताल संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में मंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं यह चिंताजनक स्थिति है हालांकि उससे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार व सक्षम है जमशेदपुर में जिस तरह से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए तीन बेड के अस्पताल तैयार करने का निर्देश दिया गया है दूसरे राज्यों से झारखंड आने पर मिलेगा होम क्वारंटाइन का ऑर्डर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों के कारण संक्रमण तेजी से फैला है इस वजह से राज्य सरकार होम क्वारंटाइन का नियम सख्त करने जा रही है गुरुवार को इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों को डीसी और एसपी को आदेश जारी किया है सरकार के नए आदेश के मुताबिक जो भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से झारखंड आएगा उसे व्यक्तिगत तौर पर होम क्वारंटाइन के आदेश की कॉपी दी जाएगी रांची मोरी सड़क दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र सांसद रांची के सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची से मोरी तक सड़क की स्थिति के बारे में अवगत कराया है सांसद ने कहा कि इस सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था जर में है सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं आए दिन इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है यह सड़क झारखंड को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है और बहुत ही व्यस्त मार्ग है क्योंकि मूरी एक औद्योगिक क्षेत्र भी है जिसे इस मार्ग पर परिवहन का आवागमन बहुत ही अत्यधिक होता है इस कारण इस सड़क को अविलंब जनहित को ध्यान में रखते हुए दुरुस्त किया जाए नक्सलियों के पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत रांची के तमार थाना क्षेत्र के कडरू डी तुलसीडी गाँव के आसपास में माओदियों ने फिर एक बार पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का, का काम किया है जगह जगह पोस्टरबाजी की गई है पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तुलसीडी गाँव के स्कूल में माओवादी ने पोस्टरबाजी की है विधायक अंबा ने कम्युनिटी हॉल और पार्क निर्माण का किया शिलान्यास रामगढ़ जिला के पतरातु प्रखंड चैनगढ़ा में कम्युनिटी हॉल और पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक अंबा प्रसाद ने किया शुक्रवार को शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी परंपरा और संस्कृति झारखंड की पहचान व धरोहर है इसके संरक्षण के प्रति सरकार भी प्रतिबद्ध है यही वजह है कि चैनगढ़ के पवित्र शरना स्थल पर कम्युनिटी हॉल और पार्क निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है धनबाद में होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पर तेरह लोगों के खिलाफ कार्रवाई धनबाद डीसी सी स अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने झरिया के तेरह लोगों के विरोध होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई करने का आदेश दिया है उपायुक्त ने बताया कि महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि बिहार से आने वाले यात्री को चौदह दिन होम क्वारंटाइन में रहना है अभिभावक संघर्ष समिति ने किया नई शिक्षा नीति का स्वागत अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमृतेश पाठक ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार तथा सभी देशवासियों को बधाई दी है पाठक ने शुक्रवार को कहा कि आज़ादी के बाद अंग्रेजों का अनुसरण और वामपंथी द्वारा किए गए संक्रमण से पूरा शिक्षा व्यवस्था बीमार हो गया था अब इस देश को वास्तव में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूल तत्व ज्ञान व्यवहारिकता संस्कार और मानव मूल्यों के साथ जोड़ा गया है पंद्रह महीने से मानदेय नहीं मिलने पर मांगा इच्छा मृत्यु पलामू जिला अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि झारखंड में अप्रशिक्षित पारा शिक्षक और एनसी लगे हुए शिक्षक की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है पारा शिक्षकों के घर में खाने पीने का भी कोई साधन नहीं बचा है पूरा परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंच चुका है पंद्रह महीने से मानदेय बंद होने और झारखंड सरकार द्वारा भी मानदेय का भुगतान नहीं करने के कारण पारा शिक्षक के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है पंद्रह महीने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे एन सी पारा शिक्षकों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने शुक्रवार को जमशेदपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया राज्य में बढ़ती संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गंभीर हैं और लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं इसी क्रम में संक्रमण के अलावे अन्य मरीजों के इलाज की स्थिति का मुआयना करने के लिए उन्होंने सदर अस्पताल का दौरा किया देवघर कोर्ट और थाना सील 12 अगस्त तक नो एंट्री जोन देवघर में संक्रमण का ग्राह बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में अब संक्रमण की गिरफ्त सरकारी महकमा तक भी जा पहुंची है इतना ही नहीं देवघर कोर्ट में भी संक्रमण दस्तक दे दी है ऐसे में संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए देवघर कोर्ट और नगर थाना में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है रेस्टोरेंट जांच खामी पाई गई तो होगी कड़ी कार्रवाई एसडीएम संक्रमण के मद्देनजर रांची जिला के सभी रेस्टोरेंट एवं फूड आउटलेट को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है इसी के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच करने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा की अगुवाई में टीम गठित कर रांची के विभिन्न फूड आउटलेट से सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा गया इस दौरान रांची के मेन रोड अरगोड़ा बाजार एच बाजार के विभिन्न स्थानों से टीम द्वारा सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया चात्रा पुलिस की पहल मास्क नहीं तो जुर्माना का चलान महामारी को बचाव का एकमात्र उपाय मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है लेकिन संक्रमितों मरीजों की पॉजिटिव संख्या बढ़ने के बाद भी इस बीमारी से नहीं डर रहे हैं बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को नगर पालिका एवं छात्रा पुलिस ने संयुक्त रूप से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों और कामगारों को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है इसी दिशा में हजारीबाग में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में प्रवासी मजदूरों को होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जापान कंपनी झारखंड में तलाश रही निवेश जापान ने झारखंड में निवेश के इरादे जताए हैं जापान की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी भी झारखंड में निवेश के ठिकाने तलाश रही है हफ्ते भर के अंदर जापान सरकार के अधिकारियों ने दो बार झारखंड के उद्योग सचिव प्रवीण कुमार टोपो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संभावना टटोली है उद्योग सचिव ने जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी निपान कॉरपोरेशन को वार्ता के दौरान झारखंड में निवेश का न्यौता भी दिया है संक्रमण का असर पंचायत चुनाव टलना तय झारखंड में नगर निकायों के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलना भी तय है इसी वर्ष नवंबर माह में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है पूर्व में इसकी चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित था लेकिन संक्रमण का भय और राज्य निर्वाचन आयुक्त के रिक्त पद की वजह से चुनाव की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो सकी है यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू